क्योंकि ये महामाई के चरणों में एक कार्यक्रम रखा गया है और मैं चाहूंगा पहला गीत माता रानी के ही चरणों में हो। और जो लोग भैया लोग यहाँ खड़े हैं सभी से निवेदन है कि वो लोग बैठ जाएं, बढ़िया व्यवस्था है, आप लोग आराम से बैठ के सुने। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गाना गाया और ये गाना मेरी जो पब्लिक बैठी है, जनता बैठी, उनके लिए है। और एक छोटा सा सवालिया गीत बड़ी बहन नीलम विश्वकर्मा जी के लिए है और गीत में कुछ नहीं है, बस माँ के लिए कहना है। माँ भैया हारमोनियम थोड़ा बढ़ा दीजिए अगर हो सके तो। फिल्मी दुनिया वालों ने गाना गाया, गाना गाया फिल्मी दुनिया वालों ने बेटे, गाना कह रहा है क्या कह रहा है बेटी गाना।
छोटे। अगर साज साजन का चाहो, अगर साज साजन का चाहो सुन लो सकुन हमारा। सीटी पर ध्यान दीजिए। अरे इस संसार के माना, अरे तुम हो एक अधिकारी मालिया, के इस संसार के माना तुम हो एक अधिकारी। अरे ईश्वर की कृपा असुरों के हो स्वामी बल। अरे ऊपर वाले ने क्षण में अरे क्या संयोग बनाए। जब असुर लड़ने आए, जब असुर लड़ने आए, अरे ऊपर ये बात क्यों उठाई कि ओम की करके साधना माने खड़ग समारी और चित्तहीन संबंध को काट काट की लिखारी। चित्तहीन संबंध को मां काट काट
ये तत्काल का लिखा हुआ माँ के लिए थोड़ा गीत है, बस माँ की महिमा का बखान है। एक माँ हमने ली है, हमारी बहन जी जवाब के साथ आएंगी। और ये देवा जी की ओर से बिल्कुल बड़े आया, क्योंकि माता रानी का गीत गाया है आपने। और क्या बेटे, बहुत बढ़िया गीत है, क्योंकि माँ की वंदना टूटी फूटी जैसे भी बन पड़े बढ़िया है, क्योंकि हम बच्चों में वो समर्थ नहीं है। लेकिन आपने कहा कि सुंदर सा जवाब लेकर आएंगी, तो भैया सचदेवा जी बिल्कुल, माता रानी अब स्वयं ही लाजवाब है, तो हम बच्चे उनका क्या जवाब लेकर आएंगे। और क्या बेटे, और आप हैं दादा श्री बलराम कृष्ण पांडे जी, श्री हरि कथा व्यास, आप कथा करते हैं। नमन है आपकी ओर से, मेरी ओर से। बड़े भैया आपने जब कहा है, सभी लोग बैठ जाएं। हेलो, सभी लोग यथासन बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। भैया बैठो भाई, बैठो सभी लोग, प्रांगण में आकर बैठे और बाधा ना पहुंचाएं, सभी लोग बैठ जाएं। और सम्मानी बड़े भैया आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं। आप हैं पंडित श्री हरिओम शुक्ला जी, देहरादून उत्तराखंड, आपके माध्यम से 101 पद मुद्राएं हैं। नमन है मेरी ओर से। बहुत सुंदर आप लोगों ने गीत को सुना है। बहुत ही सुंदर गीत है, लेकिन आइए बड़े भैया सभी लोगों से निवेदन के गीत को सुनिएगा। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, yeah।
ढोलक बजा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गीत आया है आपकी ओर से। एक और कह रहे हैं, बड़ी बहन है, मैंने ये गीत लिखा है और अभी माता रानी के चरणों में लिखा है। और शुरुआत में बड़े भैया ने पंक्ति भी क्या लिखी है। Yeah.
मतलब हो कि मैं तो साथ तुम्हारा चाहूं, तो ये संकल्प हमारा और ये मानस ने भी इशारा कर दिया है कि मैं तो साथ तुम्हारा चाहूं, तो ये संकल्प हमारा, तो जन्म जन्म संबंध हो। एक जगह विवाह रचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है और एक जगह जिद है कि आपको वरण करूंगी वरना कवारी रहूंगी। क्या सुनेगा? सुने। जब भी जन्म मिलेगा तुमको वरण करूंगी, जब भी जन्म मिलेगा तुमको वरण करूंगी, तो पाकर सदा पाकर साथ तुम्हारा खुद को धन्य करूंगी। जब पाया विवाह नहीं करूंगी, तो मैं ये
ये जीवन ऐसे ही बिता दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं एक पल के लिए नहीं भुला पाई हूँ आपको। कहने लगी क्या बड़े कि अग्नि कुंड में कूदी फिर से तन को पाया। जब पुनः तन को मिला ये तन पाया तो हुआ क्या? क्या बड़े तो करने लगी तपस्या शिव को नहीं बुलाया। क्या बने कि जन्म जन्म का